उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री बने पुष्कर सिंह धामी, राजभवन में ली पद की शपथ। सीएम केजरीवाल की पीएम मोदी से मांग, इस साल भारत रत्न डॉक्टरों को दिया जाए। अक्टूबर नवंबर में भारत में पीक पर पहुंच सकती है कोरोना की तीसरी लहर, देश के वैज्ञानिकों ने जताई आशंका। बिना ईंट व बालू सीमेंट बन रहे घर, पीएम ने देश के 6 स्थानों पर हो रहे निर्माण कार्यों का ड्रोन से किया मुआयना। सेना प्रमुख 5 से 8 जुलाई तक यूके और इटली के दौरे पर रहेंगे, रक्षा सहयोग बढ़ाना यात्रा का लक्ष्य। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। इंदौर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्राइसिस कमेटी की बैठक के बाद कार्यक्रम रखा, जिसमें मुख्यमंत्री ने सामाजिक संगठन कोरोना शहीद योद्धा को संबोधित किया है। इसी के साथ शहीद कोरोना योद्धा के परिजनों को सम्मानित भी किया गया है। आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 160 करोड़ रुपए की राशि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए घोषणा की है, जिससे कि कई विकास कार्य किए जाएंगे। साथ ही इस बैठक में तीसरी लहर को लेकर, ऑक्सीजन, आवश्यक दवाइयां सहित हॉस्पिटल में बेड की व्यवस्था को लेकर भी चर्चा की गई है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इंदौर दौरे को लेकर कांग्रेस विधायकों ने इंडियन कॉफी हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें मुख्यमंत्री को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर का धन्यवाद देने आए हैं या इंदौर का अपमान करने आए हैं। कांग्रेस वही विधायक जीतू पटवारी ने कहा कि कांग्रेस विधायकों को क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में न्योता नहीं दिया गया है, मतलब मुख्यमंत्री ने उन्हें नहीं बुलाया। साथ ही मीडिया को भी कार्यक्रम से दूर रखे जाने पर कांग्रेस ने विरोध दर्ज कराया है। वहीं भोपाल में सूरजनगर क्षेत्र में बनने वाले गेट पर विवाद हो गया, जिसकी शिकायत भोपाल सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के पास पहुंची। क्षेत्र के रहवासियों का यह कहना है कि यहां के क्षेत्रीय पार्षद के नाम से गेट लगाया जाना था, जबकि विधायक पीसी शर्मा के नाम से गेट बन रहा है। सांसद ने नगर निगम कमिश्नर से बात कर गेट का काम रोकने के आदेश दे दिए हैं, ताकि विवाद ना हो सके। वहीं सतना जिले के ताला थाना क्षेत्र परिसर के अंदर सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर वृक्षारोपण किया गया। ताला पुलिस प्रशासन के द्वारा लॉकडाउन कोरोना काल में निरंतर काम करने एवं आमजन को अपनी ओर से पूरा सहयोग प्रदान करने के उपलक्ष में थाना प्रभारी पीसी कोल व एसआई धर्मेंद्र तिवारी व समस्त पुलिस स्टाफ का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया, जिसमें ताला क्षेत्र के कुछ समाज सेवी व्यक्ति, कुछ संगठन के लोग व महिलाएं और बच्चे शामिल रहे। ताला थाना के प्रभारी व पुलिस बल निश्चित तौर पर सराहनीय है, जो सतर्कता के साथ ही निष्पक्ष अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं। वहीं आमजन संगठन के द्वारा थाना प्रभारी व पुलिस प्रशासन का जो स्वागत किया गया है, उससे समस्त पुलिस बल व थाना प्रभारी ने खुशी व्यक्त की है। आज जो ताला के वरिष्ठ नागरिकों द्वारा ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम और ये कोरोना काल में जो पुलिस ने ड्यूटी किया, उसके सम्मान में, पुलिस के सम्मान में जो यहाँ स्वागत हुआ और वृक्षारोपण का कार्यक्रम हुआ, बहुत अच्छा लगा। इससे हम संदेश देना चाहते हैं कि प्रकृति के साथ में जो खिलवाड़ कर हो रहा है, जिससे कि ये समय पे वर्षा न होना और कभी वर्षा ज़्यादा आती, वृष्टि हो जाना, कभी बाढ़ आ जाना, कभी सूखा पड़ जाना, ये इन्हीं कारणों से है जो वृक्षारोपण का जी लगातार जो है जंगलों का और उसका कटाव हो रहा है। इस तरह से तो प्रकृति रुक करते हैं अगली खबर की ओर। सिंगरौली में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां मीटर रीडिंग और बिल बांटने के लिए TSIPL निजी कंपनी को 2 साल के लिए ऑर्डर दिया गया था, लेकिन कंपनी के 400 वर्करों ने मीटर रीडिंग और बिजली बिल
बांटना बंद कर दिया। उसके बाद बिजली विभाग ने नए टेंडर जारी किए। कई लोगों ने टेंडर भरे लेकिन आज तक टेंडर नहीं खुले, जिससे 15 जून को सीधी जिले का और 25 जून को सिंगरौली जिले का कोई टेंडर नहीं खुला है। वहीं तकरीबन 3,75,000 उपभोक्ताओं को विभाग की लापरवाही से खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे आए दिन बिजली बिल सुधार को लेकर वाद विवाद के हालात बन रहे हैं। वहीं विभाग के अधिकारियों का ये कहना है कि उपभोक्ता खुद भी मीटर रीडिंग अपने मोबाइल से अपलोड कर सकते हैं। तो अगली खबर रीवा से है, जहां जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में अचानक बढ़ रहे अपराधों के ग्राफ पर अंकुश लगाने के लिए एडिशनल पुलिस अधीक्षक ने थाना प्रभारियों की कंट्रोल रूम में बैठक ली। इस बैठक के संबंध में एसएसपी शिव कुमार वर्मा ने बताया कि अधिकांश घटनाएं नशे के चलते हो रही हैं। घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक ने थाना प्रभारी को निर्देश दे दिए हैं कि शहर में गश्त बढ़ाई जाए, साथ ही बाइकर्स ग्रुप जो अपराध कर रहे हैं वाहन चेकिंग लगाकर ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाए। वहीं इस बैठक में शहरी थाना क्षेत्र के समस्त थाना प्रभारी सहित अजाक थाना प्रभारी, एएसपी शिव कुमार वर्मा, डीएसपी मुख्यालय शामिल रहे। थाना क्षेत्र के लोग भी थे, जेके से भी थे, महिला थाना प्रभारी थे, ट्रैफिक के भी अधिकारी थे। इसमें एसपी साहब के नेतृत्व में मीटिंग रखी गई थी। उद्देश्य था शहर में कुछ अभी घटनाएं बढ़ी हैं हाल के दिनों में, जिसमें पर्स मोबाइल छीनने की घटनाएं थी, लूटपाट की जो घटनाएं घटी हैं, साथ में कुछ और घटनाएं आप लोगों के सामने आई हैं कि नशे की हालत में लोग दोस्त जो आपस में हैं कुछ विवाद विवाद कर ले रहे हैं और मारपीट कर ले रहे हैं। इन पर काम करने के लिए, उन बदमाशों को पकड़ धकड़ करने के लिए शहर के थाना प्रभारियों के साथ एक मीटिंग रखी गई थी। उसमें बहुत सारी चीज़ों की समीक्षा की गई पुलिस अधीक्षक के द्वारा और बहुत सारे। वही खबर रीवा से है, जहां 12 सूत्री मांगों को लेकर नर्सिंग एसोसिएशन की 30 जून से शुरू हुई अनिश्चितकालीन हड़ताल चौथे दिन भी जारी रही है। नर्सों की हड़ताल लंबी खींचने से मरीजों की परेशानी बढ़ने लगी है। नर्सें अपनी मांगों को लेकर डटी हुई हैं, जिनकी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी देखने को मिली। और एक तरफ जहां ये सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रही है, वहीं साथ ही नर्सों ने हवन यज्ञ भी कराया है। इनका कहना है कि सरकार ने उन्हें अवार्ड दिया है, ये अच्छी बात है, लेकिन सरकार उनकी बातें नहीं मान रही है, इसलिए ये अवार्ड उनके किसी काम का नहीं है। गौरतलब है कि अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर ये नर्सें 30 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली गई हैं। पिछले काफी समय से ये नर्सें अपनी मांगों को लेकर अलग अलग तरीके से आंदोलन कर सरकार तक अपनी बातें पहुंचा रही थी, लेकिन उनके इस बात पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद ये नर्सें अनिश्चितकालीन हड़ताल में चली गई हैं। इनके हड़ताल में चले जाने से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर इसका काफी असर पड़ा है और इसका खामियाजा भी अस्पताल में भर्ती मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। इनको एक सर्टिफिकेट हम लोगों ने इशू किए थे शासन में, तो वो कल ये लोग मॉब के रूप में आए थे और करीबन 40-50 लोग ने अपने जो सर्टिफिकेट उनको हम लोगों ने दिए थे उस समय वो वापस किए हैं। व्यवस्थाएं क्या लिए क्या व्यवस्था के लिए हमारे 5 नर्सिंग कॉलेज है जो प्राइवेट, उनसे तकरीबन प्रतिदिन 60 से 70 नर्सिंग स्टाफ हम लोगों को मिल रहा है, उन्हीं से अभी व्यवस्था चल रही है। इसके अलावा हमारे 116 इंटर्न हैं, वो जो कोरोना अवार्ड वापस करने का मकसद ये था कि मध्य प्रदेश सरकार सिर्फ कागज पत्तर ही तो बांटती रह गई, क्या किसी का परिवार कोरोना अवार्ड के एक पेपर से पेट भरता है? इसके लिए तो हमको वेतन चाहिए और वेतन के लिए हम सेकंड ग्रेड की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो वो तो स्वाभाविक है कि उन्होंने जो दिया ठीक है, सम्मान तब होगा जब सरकार। वहीं रीवा के अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के दो छात्र अपने अलग अंदाज में वृक्षारोपण को लेकर जगह जगह घूमकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ये छात्र लोगों को वृक्षारोपण के लिए जागरूक करने के साथ ही उससे होने वाले फायदों के बारे में भी बता रहे हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग पेड़ लगाएं और स्वस्थ रहें। दरअसल छात्र हाथों में पेड़ लिए हुए और मुंह में ऑक्सीजन पाइप लगाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि पेड़ पौधे हमारे लिए कितने जरूरी हैं और समय रहते ही हमें इस ओर ध्यान नहीं दिया और ऐसे ही पेड़ कटते रहे। तो पेड़ लगाने से हमारा जीवन स्वच्छ होगा, हमारे वातावरण स्वच्छ होगा और हमारा जो जीवन यापन है वो लंबे समय तक रहेगा। अन्यथा 10 साल बाद हम देखेंगे कि सिलेंडर जैसे हमारा मित्र सिलेंडर बनाए हम लोग पीपल का पेड़ ऐसे लेके घूमना। ये है, इससे मतलब ये मोटिव है हमारा कि अगर हम वृक्ष नहीं लगाएंगे तो इन फ्यूचर हमें
ऐसे ही सिलेंडर लेकर और ऐसे ही मास्क लेकर हमें पूरा अपना जीवन व्यतीत करना पड़ेगा, इसलिए ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाएं। जिसलिए भोपाल में डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी के स्मृति पखवाड़े में भारतीय जनता पार्टी द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया। इसी कड़ी में अल्पसंख्यक मोर्चे के पूर्व जिलाध्यक्ष अब्दुल सलीम के नेतृत्व में जल स्रोतों की साफ सफाई की गई। इस मौके पर पूर्व महापौर आलोक शर्मा ने कहा कि हमारा शहर झीलों की नगरी कहलाता है, जिसकी साफ सफाई करना हमारा दायित्व है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 से चलाए जा रहे स्वच्छ भारत अभियान से पूरा भारत आज स्वच्छ नजर आता है। वहीं पूर्व महापौर ने कहा कि भोपाल को स्वच्छ बनाने में अल्पसंख्यक मोर्चे का भी एक अहम योगदान है। इस मौके पर आलोक शर्मा ने कांग्रेसियों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भोपाल की साफ सफाई में कांग्रेस योगदान देने के बजाय कचरा फैलाने का काम कर रही है। वहीं रीवा के सामान थाना क्षेत्र में कुछ दोस्तों के बीच फायरिंग हुई। आपको बता दें कि यह घटना एक पार्टी के दौरान हुई। वहीं इस घटना से एक युवक को गोली लग गई और वो गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना स्थल को सीज भी कर दिया है। पुलिस की पूछताछ में एक आरोपी ने बताया कि पार्टी के दौरान किसी बात को लेकर आपस में विवाद हो गया था और देखते ही देखते विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि आपस में फायरिंग शुरू हो गई। फिलहाल पुलिस लगातार फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। तो पता लग रहा मकान मालिक के जो बच्चे थे वो बता रहे हैं कि एक बच्चे 12 मिनट की कोई आवाज़ सुनी जमा दी थी। निकल के देखा तो एक लड़का घायल था, उसको उसका एक साथी पानी पिलाने की कोशिश कर रहा था। एक लड़का निकल के जा रहा था और उदय मित्रा जो घायल हुआ है उसका परिवार जो है गोदावाल में रहता है, उसकी पता बाहर है, रास्ते में आ रहे हैं, उसकी बहन को खबर कर दी। वापस एडमिट पहुँच गए। आज ये घटना हुई है कि जैसे इन लोगों के पास मोबाइल नहीं था, शिवम के पास, इन्होंने मेरे नंबर से, एक उदय लड़का था जो आता जाता था रूम में, पहले भी आता था और आता जाता था, तो इन्होंने मेरे नंबर से इसको फ़ोन लगा के बुलवाया है। और उसके बाद जैसे ही वो रूम पे आया है तो इन्होंने फिर मुझे उदय ने मुझे कॉल करके बोला कि भैया एक बॉटल पानी भेज दीजिए। तो मैं जैसे ही बॉटल दिया हूँ उनको, और पानी देने के बाद जैसे ही मैं अपने रूम पर आया हूँ तो 5 मिनट बाद गोली चली है। और गोली चलने के बाद इतनी तेज़ आवाज़ आई है कि मैं नाश्ता कर रहा था, तो नाश्ता जैसे ही मुँह में डाला तो सीधे मैं भाग के गया हूँ, तो दरवाज़ा जैसे ही खोला हूँ तो ये लड़का जो भाई। सिंगरौली जिले की पुलिस लगातार अवैध तस्कर कारोबारियों के खिलाफ अभियान चला रही है। इसी कड़ी में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के पास से भारी मात्रा में अवैध गांजा भी बरामद किया है, जिसकी कीमत करीब 2 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और साथ ही इस पूरे मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। सदई थाना क्षेत्र का ज्यादातर हिस्सा सीधी जिले से लगता है बॉर्डर पर, और पिछले कई महीनों से लगातार जो गांजा बेचने वाले जो तस्कर हैं उनके खिलाफ लगातार सघन कार्रवाई कर रहे हैं, और पहले भी बड़ी खेप पकड़ी गई है और इसकी सूचना मिली थी कि अपने पास कि यहाँ पे कुछ गांजा तस्कर गांजा लेकर आने वाले हैं। उस सूचना पर जो है पूरी टीम जो है एम्बुश लगाकर बैठी और 3-4 घंटे की मेहनत के बाद और जो है उसको जो है एक बोलेरो गाड़ी में पकड़ा गया, जिसमें से 5-5 किलो के 4 पैकेट जो वहीं सिंगरौली जिले में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में एक कहासुनी हो गई और देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच पथराव शुरू हो गया। वहीं इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल एक युवक अपने पड़ोस में रहने वाली एक महिला के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट कर फरार हो गया। पीड़ित महिला ने थाने में पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जग मोरवा करके एक जगह है मोरवा थाना अंतर्गत, ये दो पड़ोसी हैं जो सरकारी ज़मीन में रहते हैं और उसी ज़मीन को लेकर के इनका आपस में विवाद है। महिला ने पुरुष को जो है पत्थर और ईंटे से मारा था और पुरुष ने भी उसको पकड़ा मारने के लिए, तो महिला ने उस दांत काट लिया है।
दोनों के विरुद्ध जो है काउंटर। वहीं सतना के अमरपाटन में राज्य मंत्री राम खिलावन पटेल ने लगभग 1,50,00,000 लागत से बनी नव निर्मित पानी की 2 टंकियों का शुभारंभ किया। इस दौरान राज्य मंत्री ने कहा कि टंकी के माध्यम से नगर में पानी की समस्याओं को दूर किया जाएगा, जिससे कि पानी की सप्लाई भी चालू कर दी गई है। वहीं आज सुबह से शाम तक नगर में पानी की सप्लाई होगी और साथ ही इस मौके पर राज्य मंत्री ने वृक्षारोपण भी किया। रुकते हैं अगली खबर की ओर। धार जिले के टंडा थाना क्षेत्र में कुछ युवकों ने महिलाओं के साथ जमकर मारपीट की और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि 2 युवतियों के साथ जमकर बर्बरता की गई और मौजूद लोगों ने युवतियों को लाठी डंडों से जमकर पीटा है और उनके साथ जानवरों जैसा बर्ताव भी किया है। बताया जा रहा है कि मारने वाले युवतियों के रिश्ते में चचेरे भाई लगते हैं। परिवार के लोगों ने ही युवतियों के साथ बर्बरता की और इतना ही नहीं, मौजूद लोगों ने इस घटना का वीडियो मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन इस किसी ने भी उन्हें बचाने की कोशिश नहीं की। वहीं इस मामले को लेकर टांडा थाना प्रभारी विजय वास्कले ने बताया कि वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है और मौका मुआयना भी किया है। साथ ही पुलिस ने 7 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया है। साथ ही पुलिस इस पूरे मामले की जाँच पड़ताल भी शुरू कर दी है। घटना 22 जून की है। 3 दिन बाद 25 जून को पुलिस को एक वीडियो मिला था जिसमें 2 महिलाओं के साथ मारपीट की जा रही है और वीडियो की तस्दीक करने के लिए पुलिस की टीम जो पिपलवा पहुंची, वहां पे पता चला कि 2 महिलाओं के साथ परिजनों ने मारपीट की थी। वो कारण ये था कि दोनों महिलाएं उनके मामा के लड़कों के साथ बातचीत करती थी, तो दोनों महिलाओं को थाने लाया गया और उनमें से एक के रिपोर्ट पर से कायमी की गई और दोनों महिलाओं। वहीं जिले के निसरपुर जनपद पंचायत के ग्राम लिंगवा में जन अभियान परिषद और आसपास के ग्रामीण कोठवारों ने मिलकर पानी संग्रहण करने का कार्य किया है। आपको बता दें कि लिंगवा ग्राम में तकरीबन 30 युवाओं की टोली और प्रशासनिक अमले की मौजूदगी में मात्र 2 घंटे में 25 फीट लंबा और 3 फीट ऊंचाई वाला बोरी बंधान तैयार किया है, जिसमें देखते ही देखते हजारों लीटर पानी इकट्ठा होने लगा। इस मौके पर SDM विवेक कुमार और तहसीलदार भी मौजूद रहे। आप लोगों ने पिछले 1.5-2 घंटे में बहुत ही बढ़िया काम किया है और यहाँ का जो उद्देश्य है ऋषभ सर से आया था। ऋषभ सर यहाँ पे SDM रहे हुए हैं, उन्होंने इस फील्ड में बहुत ही अच्छा कार्य किया है। तो फिर उनका पॉइंट ये था कि बोरी बंधान का कार्य होता कैसे है, 0 से लेकर 100% तक, उसकी पूरी की पूरी बिंदुओं के वीडियो बनाने हैं ताकि दूसरे जिलों में भी लोग इसके बारे में जानें और इसके बारे में सीखें। अच्छा, इसका उद्देश्य केवल और केवल एक है, पानी के बहाव को रोक के ज़मीन का जो जल स्तर है उसको और ज़्यादा ऊपर लेके आना, उससे आसपास के खेतों में और फिर अपने पूरे। वहीं रतलाम के आदिनाथ कॉलोनी में चाकूबाजी की घटना सामने आई है। इस घटना में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल युवकों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरे का इलाज अभी जारी है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और साथ ही मामले की जाँच भी शुरू कर दी है। रतलाम जिले के पिपलौदा नगर क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली और धरना प्रदर्शन किया। दरअसल पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर धारा 144 के उल्लंघन को लेकर तहसीलदार के प्रतिवेदन पर धारा 188 का प्रकरण दर्ज किया था। इससे नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि दौलतपुर से आंबा तक सड़क का निर्माण कार्य विगत 10 माह से चल रहा था। इसमें भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह सोलंकी के नेतृत्व में 29 जून को नगर में भ्रष्टाचार की शव यात्रा निकालकर जनपद पंचायत परिसर में रामधुन के साथ पुतला दहन किया था। कांग्रेस के इस प्रदर्शन पर भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष राजेंद्र सिंह गुडरखेड़ा के नेतृत्व में तहसीलदार और थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंप कर धारा 144 के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए प्रकरण दर्ज किए जाने की मांग की थी। वर्तमान सरकार पूरे प्रदेश में एक दमनकारी सरकार की नीति पर चल रही है। जावरा विधानसभा भी इससे अछूता नहीं। हम लोग पिछले
एक साल में लगातार जनहित के मुद्दों पर जावरा विधानसभा में लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी बात से भारतीय जनता पार्टी के नेता बौखला गए हैं और यहाँ पर अभी कुछ दिन पूर्व दौलतपुरा से आंबा गांव की एक सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार को लेकर हमने जनपद पंचायत में ज्ञापन शांतिपूर्ण दिया था। वहाँ की मैं एक्चुअली दो तीन दिन पहले कांग्रेसी नेताओं द्वारा एक प्रदर्शन किया गया था, ज्ञापन दिया गया था। ज्ञापन में उनके द्वारा 44 का उल्लंघन किया गया था, जिसके परिप्रेक्ष्य में आवेदन पर उसमें कार्रवाई की गई थी। 188 की एफआईआर की गई थी और ये उसमें जवाब देना था कि या तो हमारी गिरफ्तारी लें। मंदसौर जिले के दौरे के दौरान मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग ने कयामपुर क्षेत्र के कई गांवों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कोरोना से हुई मौत के लोगों के परिजनों से भी मुलाकात की और साथ ही हरदीप सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की और उनसे क्षेत्र को लेकर चर्चा की है। दौरान कोरोना महामारी में जो लगातार जनता से कहीं ना कहीं जो दूरी थी, क्योंकि लॉकडाउन का पालन करना, जो हमारे बीच के थे मिलने वाले, उन जिनका निधन हुआ उनके घरों पर मिलना जुलना और पब्लिक से उनके हाल जानना, उसके लिए यहां पर आज पूरे लगातार क्षेत्र में दौरा है। वहीं गुना में काले खां हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहां पुलिस ने हत्याकांड के मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि महज 12 घंटों के अंदर मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने अवैध पिस्टल, जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। फिलहाल पुलिस लगातार मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जो मुख्य आरोपी थे, उन तीन मुख्य आरोपियों को पुलिस ने तत्परतापूर्वक तत्समय ही कार्रवाई करते हुए 12 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। इसके बचे हुए मुख्य सरगना हनीफ एवं उसके अन्य सहयोगी साथी, जो इस हत्याकांड को जिन्होंने अंजाम दिया था, इस प्रकार से 4 आरोपी फरार थे। इन आरोपियों की तलाश के लिए विशेष टीम बनाई गई। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।